हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं परवल की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने परवल ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अभी मुझे इनको छीलना है। तो फ्रेंड्स, परवल हमारे यहाँ पर छील चुके हैं, और छीलने के बाद मैंने एक बार इनको फिर से धो लिया है। अभी मुझे क्या करना है कि इनके बीच में एक कट लगाना है और कट करके इन सभी के बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ भरवा परवल की सब्ज़ी। तो अभी मैं इनको कट कर लेती हूँ बीच बीच में से, और इनके जो बीज निकाल के इनको खोखला कर लेती हूँ, तभी हम इसके अंदर मसाला भर पाएंगे। तो ये देखिए, एकदम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने बीच में एक कट लगाया है, और इस कट को हमें आर पार नहीं करना है, बस इतना ही कट रहने देना है, और इसके जो बीज हैं अंदर के वो हमें निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इसमें से मैंने बीज निकाल लिया है, और इसी तरह से हमें सारे परवल के बीज निकाल लेने हैं, और फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी परवलों के बीज निकाल लिए हैं, और ये बीज हमें फेंकने नहीं हैं, ये हम सब यूज़ कर लेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, जो कि हम अंदर भरने वाले हैं। और यहाँ पे कटोरी में मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेसन, और एक पैन में डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और हम इस तेल में इस बेसन को भूनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो कर लिया है, और जो मेरे पास बेसन था कटोरी में, उस बेसन को मैं इसमें डाल दूँगी, और मध्यम मध्य गैस पर ही इसको अच्छे से चलाती रहूँगी, मिक्स करूँगी। और साथ में आप लोग ध्यान भी रखना कि बेसन जल ना जाए, क्योंकि बेसन बहुत ही जल्दी हो जाता है, एकदम से जलना शुरू हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेसन भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया हल्के हल्के गैस पे। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ले ली हैं, और 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इन सभी का मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ, और आप लोग अदरक भी डाल सकते हैं इस पेस्ट को बनाने में, टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना ही अदरक है और ना ही टमाटर है, बहुत ही कम सामान से मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। तो जो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन है, इन सभी का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। इधर रख दिए मैंने कढ़ाई सब्जी को फ्राई करने के लिए, और तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा हींग। हींग से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे हींग और जीरा तो हमारा हो चुका है, और जो मैंने पेस्ट बनाया था मिर्च लहसुन प्याज का, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और तुरंत ढक दिया प्लेट को। तो सारा पेस्ट मैं यहाँ पर डाल लूँगी सबसे पहले, और डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद थोड़े बहुत सूखे मसाले भी ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पे हमारा 2-4 मिनट मसाला भुन चुका था, और यहाँ पे मैंने सूखे मसाले ऐड भी कर दिए हैं इसमें, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, सॉरी, आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं दिखा पाई, ऑन करना ही भूल गई मैं कैमरे को। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, और आधा चम्मच देगी मिर्च डाली है, और नमक डाल दिया है, और ये जो मैंने अभी डाला है, ये डाले हैं मैंने परवल के अंदर के बीज, जो कि हमने बचा के रखे थे, परवल के अंदर से निकाले थे। और अभी जो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ वो है बेसन, जो कि हमने अलग से बेसन भुना था थोड़ा सा तेल में, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये तेल ना छोड़ दे, तब तक मैं इस मसाले को भुनने दूँगी। अभी हमारा यहाँ पर मसाला हो चुका है एकदम भुन के तैयार, और इस मसाले ने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है, इतना अच्छे से भुन चुका है। और यहाँ पर जो मैंने परवल लिए थे वो हैं ये, और जो मैंने अभी मसाला भून के रखा है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी चम्मच से, और इन सभी को एक एक करके भर दूंगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, परवल हमारे सारे भर चुके हैं, और मैंने फिर से वही कढ़ाई को धो लिया है एक बार, और धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है फिर से एक बार तेल, और अभी ये तेल भी हो चुका है गरम, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और इसके बाद जो मैंने परवल छील के और भर के साइड में रखे हुए हैं, वो मैं इस तेल में डाल दूँगी, ताकि ये थोड़े से तेल के अंदर अच्छे से मतलब भुन जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, और इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा फिर दोबारा। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्ज़ी है, ये हो चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, लेकिन लोग सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अलग तरीका होता है बनाने का। तो जैसे भी मुझे बनाने आ रहा है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, और बिना किसी हेल्प के बना रही हूँ, बिना किसी पूछे बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब से भी नहीं देखा है, लेकिन बस मैं लेके आ गई थी मार्केट से, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, बनाते हैं एक बार कैसे लगते हैं।
तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। जो भी चैनल पर नए देख रहे हो, नए फ्रेंड्स जुड़े हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं इनको थोड़ी देर तलने दूँगी, जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, बाकी का आगे का प्रोसेस मैं आगे बताती हूँ आपको। अभी यहाँ पे हमारे परवल तल चुके थे और थोड़े सॉफ्ट होने लगे थे, तो जब जो भी मसाला मेरे पास बचा हुआ था, जो मैंने इनके अंदर भरा था ना, वही मसाला मेरे पास बच गया था, तो उस मसालों को मैं इन परवल के ऊपर डाल रही हूँ और इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। आप लोग अगर सूखे खाना चाहते हैं तो सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं इसी तरह से, और आप लोगों को अगर थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो इसमें आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है, और तेल भी आप लोग देख सकते हैं, तेल निकल आया है सब्ज़ी से काफ़ी सारा। और बस मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ, और पानी डालने के बाद थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। नमक भी मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, जब मैं मसाला भून रही थी तभी उस टाइम पर ऐड कर दिया था मैंने नमक। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल के, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी, और 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। 5 मिनट में मेरी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार, तो दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है, और आप लोग कलर भी देख सकते हैं सब्ज़ी का, कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी जो मैंने बनाई थी सब्ज़ी। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।